वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रायिकता है आपके चार नंबर के सवाल पूछे जाते हैं प्रायिकता से, तो आपको विशेष ध्यान से देखना है। चार अंक मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, और अगर आपको अच्छी तरीके से पास होना है इस प्रश्नावली को आपको क्लियर करना है पूरी की पूरी। तो देखो चार अंक की प्रश्नावली है, दो सवाल पूछे जाएंगे, एक तो एक नंबर का आएगा और एक तीन नंबर का आएगा, दो सवाल आएंगे इसमें से। अब देखो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल ताश से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ताश से रिलेटेड जो सवाल है ताश के पत्तों से, वो आपसे पूछा जा सकता है तीन नंबर में, और एक नंबर में छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो आज हम बात करेंगे ताश की। ताश जो होती है उसमें कुल पत्ते होते हैं 52, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ताश की जो गड्डी होती है ना उसमें टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। और एक चीज का तो विशेष ध्यान रखना है, प्रायिकता जो होती है उसको हल करने के लिए सूत्र होता है पीई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। जैसे भी ताश का नाम आएगा तो आपको कुल परिणाम तो पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं। वहां लिखा होगा क्वेश्चन में कि 52 पत्तों से 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर भी अगर नहीं आए तो आपको ध्यान रखना है कि ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52, ठीक है ना। अब बेटा ये जो 52 होते हैं वो दो कलर में होते हैं, कितने कलर में होते हैं, एक तो होते हैं लाल कलर के पत्ते, एक तो होते हैं लाल कलर के पत्ते और एक होते हैं काले कलर के, एक होता है काला रंग और एक होता है लाल रंग। लाल रंग के पत्तों की संख्या होती है 26 और काले रंग के पत्तों की संख्या होती है 26, दोनों 26-26 होते हैं, लाल रंग के भी 26 और काले रंग के भी 26। अब ये लाल रंग के पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है पान का और एक होता है नीम का, एक तो पान का और एक नीम का। पान के पत्ते होते हैं 13 और ईंट के पत्ते होते हैं 13 और 13 कितने हो गए 26। अब इसी प्रकार से जो काला रंग होता है उसमें भी टोटल पत्ते होते हैं 26, मतलब दो कलर होते हैं इसमें भी, एक तो होता है हुक्म, हुक्म मतलब काला पान होता है हुक्म, ठीक है, और एक होती है चड़ी, ठीक है ना, एक होती है चड़ी, हुक्म जो होती है उसमें 13 पत्ते होते हैं और चड़ी में भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। अब 52 दो प्रकार के होते हैं, लाल कलर के और काले कलर के, लाल कलर के 26 पत्ते होते हैं और काले कलर के भी 26। लाल कलर दो प्रकार का होता है, पान के होते हैं 13 पत्ते, ईंट के होते हैं 13 पत्ते। अब ये जो काला कलर होता है वो भी दो प्रकार का, हुक्म के 13 पत्ते और चड़ी के भी कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि 13-13 जो पत्ते होते हैं उनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, सबसे पहले होता है इक्का, सबसे पहले क्या होता है इक्का, सब में पान में दो मतलब पान का इक्का, ईंट का इक्का, हुक्म का इक्का, सब में इक्के होते हैं। फिर होता है दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दैला, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है ना, ये पत्ते होते हैं। अब देखो सबसे पहले जो पत्ता होता है वो इक्का होता है, वो ए लिखा होता है इस पे, ए क्या लिखा होता है, ए, ए। इक्का जो होता है वो उस पे ए लिखा हुआ रहता है, सबसे बड़ा इक्का माना जाता है ताश में। फिर होता है दुक्का, फिर से तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दैला, अब गुलाम, जो गुलाम आता है ना उस पे जे लिखा हुआ रहता है, जे क्या लिखा हुआ रहता है, जे। बेगम पे क्यों लिखा हुआ रहता है, क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और बादशाह पे के लिखा हुआ रहता है, बादशाह पे क्या लिखा हुआ रहता है, के, ठीक है ना। ये पत्ते सभी में होते हैं, ठीक है, ये पत्ते इक्के सब में होंगे, दुक्के भी सब में होंगे, इक्के भी सब में होंगे। अब जैसे ध्यान समझ लो इसको, पहले ये आ गई तो आपको आराम से कोई सब सवाल बना सकते हो। सबसे पहले तो ध्यान देना इधर आपको, मतलब ये सभी पत्ते जैसे इक्का दुक्का बादशाह तक सभी पान में भी होते हैं, सभी ईंट में भी होते हैं, सभी हुक्म में भी होते हैं और सभी चड़ी में, सभी में ये पत्ते होते हैं आपके, ठीक है ना।
अब जैसे मैं कहूँ कि बताओ ताश की गड्डी में कितने बाद से होते हैं, कितने बाद से होते हैं? चार। पान का बाद से, ईट का बाद से, उत्तम का बाद से, कितनी बहनें होती है? चार। कितने गुलाम होते हैं? चार। कितने दस होते हैं? चार। कितने नौ होते हैं? चार। मतलब सब पते कितने कितने होते हैं? चार। अब इनके अलावा कुछ जो अलग से इफेक्ट होता है वो होता है तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर मतलब जिन पर फोटो फोटो आ जाती है, चित्र बनाया जाता है। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं तीन। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तीन। गुलाम, बेगम और आयशा। ये ए, ये तो इसमें तस्वीर नहीं होती, ए लिखा हुआ रहता है इक्के पे, जबकि गुलाम, बेगम और बादशाह पे तस्वीर फोटो छपी हुई रहती है। तो बेटा कितने? तीन पत्ते तो पान के, तीन पत्ते ईंट के, तीन पत्ते और तीन पत्ते, ऐसे तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होंगे? बारह। यानी कि तस्वीर, तस्वीर वाले वाले पत्ते, या तो कहते तस्वीर वाले पत्ते हिंदी में, और अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं पेस कार्ड। क्या कहते हैं? पेस कार्ड। पेस कार्ड, पेस मतलब चेहरा और कार्ड मतलब पत्ते, चेहरे वाले पत्ते, ठीक है ना। पेस कार्ड पत्तों की संख्या होती है टोटल 12। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12 भाई। 3 3 6 6 3 9 9 3 12। पेस कार्ड और तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं ना वो कितने होते हैं? 12। अब इसके अलावा देखो, ये जो बेगम है इस बेगम को रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन। और क्वीन मतलब? और बादशाह को राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। किंग, किंग मतलब राजा, बादशाह, ठीक है ना। तो पेस तस्वीर वाले टोटल पते कितने? 12, ठीक है। बेगम कितनी? 4। बादशाह भी कितने? 4। गुलाम भी कितने? 4। सब पते 4-4। अब देखो सूत्र किस मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये जानकारी तो आपको मिल गई। अब क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा आता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक तास एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। सबसे पहले तो उसको लिखना है पी बराबर अनुकूल परिणाम बटा ये होता है सूत्र। अब जैसे मान लो नंबर एक पे पूछ लिया पी, नंबर एक कोई सा भी सवाल पूछ लिया, जैसे पूछ लिया पी लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, देखो पी, पी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गई, और ई का मतलब होती है इवेंट, इवेंट मतलब घटना, जो घटना के बारे में आप प्रायिकता निकाल रहे हो वो आता है। अब घटना के लाल रंग का गुलाम, मतलब हमें एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेटा गया है, अब उस गड्डी में से हमें एक पत्ता निकालना है, वो पत्ता कैसा हो? लाल रंग का गुलाम हो। तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र लिखेंगे पहले, अब बताओ कुल परिणाम, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने? 52 पत्ते, ठीक है। अब बताओ बेटा लाल रंग का गुलाम, बताओ लाल रंग में कितने गुलाम होते हैं? दो, एक तो पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम, दो गुलाम होते हैं ना। ऊपर कितना आ जाएगा? दो, दो का भाग दो में एक बार, दो का भाग 52 में 26 बार। बताओ प्रायिकता क्या आ गई? 1/26। आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको ताश में से कोई नंबर नहीं कटने वाला, फिक्स आपको नंबर मिलेंगे अगर ध्यान से देखा तो। आगे देखो, दूसरे नंबर पे पूछ गया कि पी लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, अब देखो सूत्र तो वही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 52। अरे ताश में टोटल पत्ते तो वही कितने? 52। अब आप लोगों से पूछ लिया लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 होते हैं। लाल रंग के पत्ते हो गए 26। 26 से कम? 26। 26 दूनी 52। प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। 1/2। मान लो आपसे पूछ लिया पी, ठीक है ना, पूछ लिया ईंट की बेगम, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बताओ, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने? 52। कुल परिणाम कितने? बताओ ईंट की कितनी बेगम होती है? ईंट में कितनी बेगम होगी? एक ही होगी। अगर ऐसे नाम आए तो उसमें एक एक ही होता है, और अगर कलर का नाम आए तो कलर में कितना होगा? दो।
कलर में जैसे लाल रंग की बेगम, तो लाल रंग में कितनी बेगम होगी? दो। लेकिन यह केवल क्या है, ईंट की बेगम। अब ईंट में तो कितनी बेगम होती है? एक ही होती है। तो बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 52, और ईंट की बेगम कितनी होती है? प्रायिकता क्या गई? 1/52। अब जैसे पूछ ले पी पान का इक्का, पान का इक्का, बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम तो कितने हैं? 52। बताओ पान में कितने इक्के होते हैं? पान में एक ही होगा ना, हमारा इसलिए एक आ जाएगा। प्रायिकता क्या गई? 1/52। या पूछ ले पी, ठीक है ना, जैसे पूछ ले कि आपसे हुक्म का गुलाम, हुक्म का बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने? 52। अब बताओ हुक्म में कितने गुलाम होंगे? एक ही होगा ना, बताओ प्रायिकता क्या आ गई? 1/52। बात जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जैसे अगला पी हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने? बताओ हुक्म में कितने पत्ते होते हैं? हुक्म में कितने पत्ते थे? बताओ प्रायिकता ऊपर कितना आ जाएगा? 13। एकदम चौको प्रायिकता क्या गई? 1/4। आया समझ में? सवाल कौन सा भी हो आपको इसी प्रकार से हल करना है। पहले बता रहे एक दो और बताते, देखो ध्यान दो, कुछ एक सवाल और लिखे हैं मैंने, इन सवालों के उत्तर बताने हैं। खड़ा बेटा, खड़ा हो जा। मतलब पहला पी लाल रंग का चौका, मतलब 4 नंबर लाल रंग का चौका नहीं बताया तो बता सूत्र क्या होता है? पी बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने? टोटल पत्ते कितने होते हैं? अब अनुकूल परिणाम लाल रंग के कितने चौके होते हैं? लाल रंग में कितने? दो ही तो होते हैं लाल रंग में, एक तो पान का चौका और एक ईंट का चौका। कितने चौके होते हैं? ऊपर क्या आएगा? दो का भाग 2 में 1 बार, दो का भाग 52 में 26 बार। प्रायिकता क्या गई? 1/2। मतलब रंग का नाम आ जाए कि लाल रंग में, लाल रंग में सभी पत्ते दो दो होते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला पी बादशाह होने की प्रायिकता, बताओ कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम बैठ गया, कुल परिणाम तो 52 टुकड़ा हो, बता बाद से कितने होते हैं ताश में? कितने बाद से होते हैं? 4 होते हैं ना पूरी में, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, हुक्म का बादशाह, कितने बाद से होते हैं? 4। कितना? 4। पता बात कर रहे चार का बाद है, चार का इसमें दो, 4 × 4 = 12, 1/13। अब देखो पी ईंट का तिक्का होने की प्रायिकता पूछी है, क्या पूछी है? ईंट का तिक्का होने की प्रायिकता, ईंट का तिक्का, बता क्या होगी? कुल परिणाम कितना? ईंट में कितने तिक्के होते हैं? ईंट में कितना तिक्का होता है? एक ही होता है ना, अरे केवल ईंट की बात हो रही है, ईंट में तो एक ही होगा, एक ही होता है सब पता, तो प्राइस बन जा गई 1/52। बैठ जा टुकड़ा रे। अब बता किधर पी पेस कार्ड आने की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने? 52। पेस कार्ड कितने होते हैं? लिखा मैंने 12। समय 3-3 होते हैं, 3 पान में 3 ईंट में 3 हुक्म में और 3 चड़ी में, तो कितने कुल परिणाम कितने होंगे? 52। और वो दूसरे 12 अनुकूल परिणाम 12 का पता किसके पास जाएगा? 4 का जाएगा, 4 × 3 = 12, 13 × 52। प्रायिकता क्या गई? अब ये देखो चड़ी का गुलाम, पता चड़ी में कितने गुलाम होते हैं? एक ही होता है ना, अरे केवल सिंगल की बात हो तो एक गुलाम होता है चड़ी में, तो बताओ कुल परिणाम कितने? 52। अनुकूल परिणाम कितना? तो बताओ प्रायिकता क्या गई? 1/52। इसके अलावा एक सवाल ऐसा बन सकता है कि एक 52 प्रकार की 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, इनमें से कुछ पत्ते निकाल लिए जाते हैं, मतलब पहले से हटा लिए जाते हैं, और फिर ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है, तो उनमें से एक पत्ता
क्या निकलेगा उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी पड़ती है। तो जैसे चार पत्ते निकाल लिए पौन पत्तों में से, तो टोटल पत्ते कितने रह जाएंगे? फिर कुल परिणाम कितने मानेंगे? और जो पत्ते निकाले ना उनको हम हटा देंगे। ऐसा सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वैसे सिंपल ही आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा अगर तीन नंबर में आएगा, ठीक है ना। देखो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हुक्म का बादशाह, चड़ी की बेगम, पान का गुलाम और ईंट का इक्का निकाल लिया जाता है और निकाल कर उस गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, निम्न के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब निम्न के प्राप्त करने की प्रायिकता आपको दे देगा क्वेश्चन 3-4, उनके प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब देखो कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं वो ध्यान से देख लो। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हुक्म का एक, चड़ी की बेगम दो, पान का गुलाम तीन, ईंट की टिक्का चार, कितने पत्ते निकाले जाते हैं? 52 पत्तों में से चार निकाले तो गड्डी में कितने रहेंगे? 48 ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम कुल पत्ते यानी क्या लिख सकते हो? कुल परिणाम। बताओ बेटा टोटल पत्ते कितने थे? कितने निकालिए? बताओ पत्ते कितने रहेंगे? 48 रहेंगे। तो कुल परिणाम कितना हुआ? 48। अब आपसे क्या पूछ सकता है? पी नंबर एक पूछ रहा है, पी हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। सूत्र क्या है? सूत्र लिखेंगे सबसे पहले तो सवाल में पी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बताओ कुल परिणाम कितने? 50। कितने लगे? 50। अब क्या पूछा है? हुक्म का बताओ, हुक्म में कितने पत्ते थे? 13। क्या हुक्म का पत्ता निकाला गया है? एक निकाल दिया ना। पहले हुक्म में कितने पत्ते थे? 22 से हटा लिया, कितने रह गए? 12 रह गए। बताओ ऊपर क्या आएगा? 12। ठीक है, बताओ 12 किसका घर है? 12 घर है, 12 एकम 12, 5 चौक 50। प्रायिकता क्या गई? 1/4। जैसे पूछ रहे पी पान का इक्का, पान का इक्का बताओ, पान का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 50। बताओ पान का इक्का तो नहीं निकाला, क्या निकाला है? पान का गुलाम। बताओ बेटा पान में कितने इक्के होते हैं? एक। कितना इक्का होता है? एक बता 50। अब जैसे पूछ ले पी पूछ ले ईंट का इक्का, तो बताओ क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने? 50। बताओ ईंट में कितने इक्के होते हैं? एक। या निकाला गया कि इक्का? हाँ, ईंट का तो इक्का ही नहीं है ताश में, और जो मतलब उपलब्ध नहीं होता है यानी कि जिस घटना का घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। इसने पूछा ईंट का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ, ईंट का इक्का तो क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया ना, तो ताश में ईंट का इक्का है ही नहीं, अगर नहीं है तो प्रायिकता क्या आएगी? जीरो। 50 में जीरो का भाग दोगे तो जीरो, प्रायिकता क्या आ गई? जीरो। या आपसे पूछ ले पी, ठीक है ना, जैसे पूछ ले लाल रंग का पत्ता, बताओ बेटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 50। बताओ लाल रंग में कितने पत्ते होते हैं? 26। कितने पत्ते होते हैं? 26। उधर निकाले गए के लाल रंग के कितने पत्ते? दो। एक तो पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम, दो निकाल लिए ना। पहले कितने थे? 26 में दो निकालो कितने रह गए? 24। बताओ 24 एकम 24 दूनी 50। इस प्रकार के सवाल भी आपको देख लेने, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पत्ता निकाला है वो कुल परिणाम, और इधर से भी आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आ जाएगा।